आप सुन रहे हैं डीडी न्यूज पॉडकास्ट अतुल शाह के साथ आवाज देश की। डीडी न्यूज पॉडकास्ट में आज भारत के अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाने को तैयार। सत्ताईस फरवरी को भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने उन चार व्यक्तियों के नाम सामने रखे जिन्हें गगनयान मिशन के तहत पहली उड़ान के जरिए अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन। भारतीय वायुसेना से चुने गए इन चार अधिकारियों के नाम हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ऐसा करने के बाद भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो जाएगा जो इंसानों को स्पेस में भेज चुके हैं। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ऐसा करने वाले देश हैं जो मानव को अंतरिक्ष में भेज चुके हैं और भारत इसके बाद इस सीरीज में चौथा देश बनेगा। आइए डीडी न्यूज पॉडकास्ट में जाने भारत के गगनयान मिशन और उससे जुड़े उन सभी पहलुओं के बारे में जो आपको जानने चाहिए। क्या है गगनयान मिशन? गगनयान इसरो का एक स्पेस मिशन है जिसके जरिए तीन अंतरिक्ष मिशन को कक्षा में भेजा जाएगा। इन तीन मिशन में से दो में इंसान नहीं होंगे जबकि एक मिशन में इंसानों को भेजा जाएगा। ये मिशन 5 से 7 दिनों के लिए हमारी पृथ्वी से लगभग 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। उम्मीद है कि इस साल गगनयान एक मिशन की टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए एक बिना इंसान के टेस्ट फ्लाइट लॉन्च की जाएगी। इसके सफल होने के बाद फिर तीन व्यक्तियों के ग्रुप को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाया जाएगा और 3 दिन बाद पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। इस मिशन के तहत एक नॉर्मल कैप्सूल डिजाइन किया जाएगा जो अंतरिक्ष में तकरीबन 1 हफ्ते तक टिक सके और फिर इसके बाद स्प्लैश डाउन लैंडिंग कर सके। स्प्लैश डाउन तकनीक पानी में पैराशूट की मदद से अंतरिक्ष यान को उतारने का एक तरीका है। गगनयान का क्रू मॉड्यूल एक 5.3 टन का पूरी तरह से ऑटोनोमस स्पेसशिप है जो 2.9 टन सर्विस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। कैसे काम करेगा ये मिशन? इस अंतरिक्ष स्पेस कैप्सूल में चालक दल के लिए लाइफ सपोर्ट और एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम सहित मेडिकल किट, हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम्स, इमरजेंसी सर्वाइवल किट्स और फायर कंट्रोल सिस्टम जैसी चीज़ें भी मौजूद होंगी। इस स्पेस कैप्सूल में एक इमरजेंसी अबॉर्शन मिशन और इमरजेंसी एस्केप होगा जो रॉकेट के प्रक्षेपण के पहले चरण या दूसरे चरण में किया जा सकता है। अंतरिक्ष कैप्सूल को GSLV मार्क 3 का उपयोग करके लॉन्च करने की योजना बनाई गई है जो एक 3 फेज वाला हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जियोसेंट्रिक ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। व्योम मित्र क्या है? व्योम मित्र महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है जो इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। व्योम मित्र नाम संस्कृत के 2 शब्दों व्योम जिसका अर्थ है अंतरिक्ष और मित्र से मिलकर बना है। ये महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री मॉड्यूल के मानकों की निगरानी करने, चेतावनी जारी करने और जीवन रक्षक कामों को एग्जीक्यूट करने की क्षमता रखती है।
ये रोबोट 6 पैनलों को चलाने और प्रश्नों का उत्तर देने जैसे काम भी कर सकती है। व्योम मित्र को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये स्पेस के एटमॉस्फेयर में इंसानी कामों में सहयोग कर सके और इसकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ मेल मिला सके। कौन है भारत के अंतरिक्ष यात्री? ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ये वो नाम है जो इसरो की ओर से अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री होंगे। प्रशांत नायर केरल के पलक्कड़ के रहने वाले हैं। उनको रूस में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। उनके पास तकरीबन 3000 घंटे की उड़ान का अनुभव है। एस्ट्रोनॉट अजीत कृष्णन वायुसेना के टेस्ट पायलट हैं। वे चेन्नई तमिलनाडु से हैं। उनके पास तकरीबन 2900 घंटे की उड़ान का अनुभव है और उन्होंने सुखोई 30, एमकेआई, मिग 21, मिग 29, जगुआर, डोनियर और AN-32 जैसे कई एयरक्राफ्ट विमान उड़ाए हैं। तीसरे एस्ट्रोनॉट अंगद प्रताप भी वायुसेना में फाइटर और टेस्ट पायलट हैं। वे प्रयागराज से हैं और उनके पास भी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट फ्लाइट का तकरीबन 2000 घंटे का अनुभव है। चौथे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला वायुसेना में विंग कमांडर के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं और वे लखनऊ के रहने वाले हैं। शुभांशु एक फाइटर कॉम्बैट लीडर हैं और उनके पास तकरीबन 2000 घंटे की उड़ान का अनुभव है। इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग इसरो के क्रू ट्रेनिंग फैसिलिटी में हो रही है। इन पायलट्स की एरोमेडिकल, अंतरिक्ष में सर्वाइव और रिकवर करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही क्लासरूम ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग, सिमुलेटर ट्रेनिंग और फ्लाइट सूट की ट्रेनिंग भी हो रही है। इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की रूस के गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर पर भी विशेष ट्रेनिंग हुई थी। भारत में ट्रेनिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री अगले स्तर के प्रशिक्षण के लिए अमेरिका जाएंगे, जहां चारों अंतरिक्ष यात्रियों को नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर टेक्सास में प्रशिक्षण मिलेगा। गगनयान मिशन भारत के स्पेस सेक्टर के लिए बेहद मायने रखता है। पिछले साल भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई कामयाबी हासिल की। साल 2023 के अगस्त महीने में भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक उतरने वाला पहला देश बना और इसके कुछ हफ्तों बाद इसरो ने सूर्य की ओर भारत का पहला ऑब्जर्वेशन मिशन आदित्य L1 भेजा। ये इस समय कक्षा में मौजूद रहते हुए सूर्य पर नजर रख रहा है। इस तरह दुनिया की नजर भारत के गगनयान मिशन पर लगी होगी। इसका एक कारण ये भी है कि भारत ने बहुत कम परेशानियों के साथ बेहद कम खर्चों में दुनिया के सबसे ज्यादा जटिल अभियानों को पूरा किया है। आगे आने वाले समय में ये देखना बेहद रोचक होगा कि भारत कैसे अपने अगले मिशन गगनयान को सफलतापूर्वक स्पेस में पहुंचाएगा। अतुल शाह, DD न्यूज। क्या आप देश विदेश की जानकारियां और उनसे संबंधित मुद्दों को जानने में इंटरेस्टेड हैं? आज ही ज्वाइन करें DD न्यूज पॉडकास्ट को YouTube और Spotify पर। आप किन मुद्दों के बारे में और अधिक पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे, हमें हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।